कि फरवरी में ही गर्मी का एहसास कराने के बाद मौसम ने अब अचानक यू टर्न ले लिया है। मार्च के पहले दिन यानी आज बारिश भी हो गई, जिससे हल्की हल्की ठंड जो है एक बार फिर से लौट आई है। दिल्ली एनसीआर में अभी भी कई जगह बादल छाए हुए हैं। राजधानी के आसमान में बादलों का डेरा है तो पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फ गिर रही है। कुदरत ने पहाड़ों के साथ बर्फबारी होली बिखेर ली है। इस तरह लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी से नजारा खुशनुमा हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में मौसम के तेवर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां कई जगह बारिश बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा है। सरगम, आप भी ऑफिस आई होंगे तो देखा होगा दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है अचानक सुहाना हो गया है। कई जगह देखिए रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें अगर हम तो देखिए 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम तापमान जो है कुछ कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस पर नजर आता है। इससे पहले राजधानी में फरवरी माह में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब फरवरी महीना सबसे गर्म माह साबित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के लिए भारतीय क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान जो है बढ़कर 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 के बाद से अब तक का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। यानी जैसा कहा जाता है कि मौसम बेईमान होता है, इन दिनों उसका रवैया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से पहले प्रचंड गर्मी हुई और अब मौसम खुशगवार नजर आ रहा है और हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और आसमान में छाए इन बादलों ने दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल दिया है। जिस तरीके की गर्मी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे, अचानक से उन्हें राहत मिली है। मार्च के पहले ही दिन सुबह जो टेम्परेचर था वो घट के करीब 14 डिग्री पे आ गया। मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री रहेगा और आसमान में आप देखिए किस तरीके के बादल नई दिल्ली के इलाके में छाए हुए हैं। और ये सिर्फ नई दिल्ली नहीं और एनसीआर में ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं। और आप देखिए तेज हवाएं चल रही हैं और इसका असर हुआ सीधे मौसम पर। जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था अचानक से उसमें कमी आई है। मिनिमम टेम्परेचर जो अनुमान है कम से कम दो दिनों के लिए वो 14 डिग्री के आसपास रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास रहेगा। और ये जो मौसम में परिवर्तन है इसका अनुमान पहले से ही था और वजह बताई जा रही थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका असर पहाड़ के इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मौसम अगले दो दिनों तक बना रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले दो दिनों तक जिस तरीके की गर्मी दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे उससे उन्हें राहत रहेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा।